सर आप बिहार में भी चुनाव लड़ने वाले हैं, हाँ बिहार में लड़ने वाले हैं। बिहार, तो बिहार में कितने मतलब कहाँ तक आपका नेटवर्क है? बिहार में हम ऑलमोस्ट हर जिले में पहुंचे हुए हैं और हम ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां से लड़ रहे हैं। बिहार में तो मतलब ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव है जो तीसरी शक्ति के रूप में उनको हमेशा देखा गया है, नीतीश कुमार भी है, शरद यादव, पासवान जैसे ये सभी पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करने वाले लोग ऐसे कहा जाता है, और आपकी भी अभी पार्टी यहाँ पर है, वो भी तो काफ़ी सालों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपकी भी पार्टी है, तो आपकी पार्टी की कैसी तैयारियाँ हैं इस राज्य में? अब ये देखेंगे कि वहाँ जो है बिहार में लालू जी की जो पार्टी है ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करती है और ये इसके खिलाफ में फुले अम्बेडकर राइट या बाबा साहब खुद थे कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो वो जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बताती है कि भाई वो उनका नेतृत्व कर रही करके, लेकिन जब मैं वहाँ ग्रास रूट में घूम रहा हूँ तो बैकवर्ड क्लासेस की बहुत सारी जातियाँ जो है वो आज उनके खिलाफ में है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक जाति की राजनीति करते हैं और एक जाति के बाद में फिर एक डायनेस्टी की बात करते हैं, तो इसलिए इवन यादव उनके खिलाफ में है। हमारे पार्टी में कहीं यादव लोग हैं बिहार के, बिल्कुल तो आप ये देखेंगे कि ये जो पार्टियां है ये ऐसा महसूस करा रहे समाज को कि ये हमारा सही नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी कम्युनिटी है, तीन मेजर कम्युनिटी है बिहार में, उसमें कोयरी है, उसमें कुर्मी है और उसमें यादव है। यादव संख्या में 17-18% है, कोयरी 11 से 12% है और कुर्मी 7% है। तो नीतीश कुमार जो है कुर्मियों की राजनीति करता है, दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को और सिर्फ उनका यूज करना है, रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में देना है वो नहीं दे रहा है। जब लालू की पार्टी सत्ता में आती है तो वो यादवों के लिए ही काम करते हुए नजर आती है, दूसरे जो बैकवर्ड क्लासेस के जो समाज है जाती है उन लोगों को वो एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है। तो जो ब्राह्मणिकल पार्टियां जैसा कर रही है वैसा ही ये लोग भी कर रहे हैं। पासवान को आप देख लीजिए, पासवान के आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू आई है, उसको चिराग पासवान के बारे में पूछा तो बोलता है कि चिराग पासवान अपने आप में एक नेता है। चिराग पासवान नेता है तो उस पार्टी में उसका भाई, उसकी आ, 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 बीबी, यही चार चार लोग हैं, वो खुद, उसका लड़का, उसकी बीबी और उसका भाई। तो इसका मतलब वो वहां शेड्यूल कास्टों की दूसरी जातियां नहीं है क्या, या उसके पार्टी में जो दूसरे लोग हैं वो एक एक नेतृत्व देने लायक है ही नहीं क्या? अगर नहीं है ऐसा अगर मानते हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? उन लोगों को तैयार कर रहे हैं या उनका यूज कर रहे हैं? अगर नहीं थे एक समय में तो अब तक उनको तैयार कर लेना चाहिए था, तो उनको तैयार नहीं कर रहे, इसका मतलब वो सिर्फ उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इन पार्टियों का से माध्यम से हम अपने समाज का कल्याण कर पाएंगे, इस ढंग की भावना या इस ढंग की धारणा समाज में जो पनपती हुई नजर आती है इसका मुख्य कारण है इग्नोरेंस। और इसलिए इस समाज के लोगों को जब तक हम जागृत नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, और अभी ये समझ रहे बिहार में मैंने देखा जैसे बहुत ज्यादा कोयरी जो है जो 10-12% है उनको कभी सत्ता में उन्होंने स्थान नहीं दिया। आप ये देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जो है ये कोयरी कम्युनिटी से आता है, लेकिन उसको एक या दो सीटों के ऊपर खत्म कर देते जबकि उनकी 12-13% पॉपुलेशन है। तो उनका तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी उतना होना चाहिए और उनके कैबिनेट में भी उनके लोग उस अनुपात में होने के, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।